दोस्तों सूरज जो है वो लाइफ ऑफ सोर्स है हमारी पूरी पृथ्वी के लिए, इसके बिना लाइफ संभव ही नहीं है। लेकिन सूरज से ही ना कभी कभी ऐसी रिपोर्ट्स आ जाती है कि साइंटिस्ट भी डर जाते हैं। कुछ दिन पहले नासा ने एक इमेज शेयर किया था, इस इमेज के बारे में जानकर आपको भी डर लगेगा। तो क्या है इस सूरज का रहस्य? पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे छोटे क्यों होते हैं और लाइव मैच की एडिटिंग कैसे होती है और परफ्यूम ठंडी क्यों लगती है? एरोप्लेन में फीमेल स्टाफ क्यों होती है और दुनिया का सबसे महंगा पार्किंग स्पेस कौन है जिसे अडानी अंबानी भी नहीं खरीद सकते? जाने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 10, दोस्तों आपने देखा होगा कि पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे नीचे से छोटे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? दरअसल कई बार पब्लिक टॉयलेट्स में कुछ लोग सेक्सुअली एक्टिविटी करने लगते हैं और ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए ये दरवाजे छोटे रखे जाते हैं ताकि लोगों को इतनी प्राइवेसी ना मिलेगी वो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो जाएं। इसके और भी कारण है, जैसे छोटे बच्चे पब्लिक टॉयलेट के अंदर लॉक कर लेते हैं या फिर टॉयलेट में मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है और दरवाजा लॉक होने की वजह से बाहर के लोगों को मालूम नहीं चल पाता कि अंदर किसी को मदद की जरूरत है। इन्हीं सब कारणों की वजह से दरवाजे छोटे लगाए जाते हैं। नंबर 9, दोस्तों डॉक्टर के एक रिसर्च टीम ने बताया कि ये जो हमारी सुबह की लार होती है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है हमारे लिए, क्योंकि इसका पीएच लेवल 8.9 होता है और उसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है तो सुबह की लार आंखों के नीचे लगाइए, और अगर आपके आंखों पर चश्मा लगा है तो लार को काजल की तरह लगाइए, और अगर आपके फेस पर कोई चोट का निशान है, पिंपल का निशान है तो लार लीजिए और डिप डिप करके लगाइए, सब ठीक हो जाएगा। और अगर आप बिना थूके पानी पी जाते हैं तो आपको एसिडिटी की दिक्कत नहीं होगी, ग्लोइंग स्किन रहेगी, आपके दांत मजबूत रहेंगे, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी और बुढ़ापा लेट से आएगा। तो कौन कौन ये टिप्स फॉलो करने वाला है जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों ये जो सूरज में इतना बड़ा छेद नजर आ रहा है इसको वैज्ञानिकों ने सूरज की सतह पर देखा है। इसका आकार पृथ्वी से 20 गुना बड़ा है। लेकिन ये सूरज पर अंधेरा कैसा है और ये सूरज से क्या निकल रहा है? तो सूरज में दिखे गए छेद को कोरोनोल होल कहा जाता है। ये देखने में काले छेद की तरह लगता है, वहाँ सूरज की रोशनी नहीं है। इस छेद को देखने के बाद वैज्ञानिकों ने भूचुंबकीय तूफानों की चेतावनी जारी की है। सूरज के छेद से धरती की तरफ 29 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सौर हवाएं निकल रही हैं। तो दोस्तों इस सूरज के होल से निकलने वाले अवशोषित कणों से उपग्रह, मोबाइल, जीपीएस सिस्टम प्रभावित भी हो सकता है। नासा ने 23 मार्च को सूरज के दक्षिणी ध्रुव के पास ये होल देखा था। ये छेद इतना बड़ा है कि इसमें 20 से 30 धरती समा सकती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां से आने वाला सौर तूफान कितना बड़ा होगा। सूरज की सतह पर काले छेद का मतलब क्या है, इस पर अभी साइंटिस्ट रिसर्च ही कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये क्षेत्र ठंडे और कम सघन है, यहां से निकलने वाला तूफान अलग अलग ग्रहों तक जा सकता है। इस कोरोनोल होल की लंबाई 3 लाख किलोमीटर और चौड़ाई 4 लाख किलोमीटर हो सकती है। वैज्ञानिक सूरज से आ रहे तूफान पर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में कैसा कितना बड़ा तूफान आएगा पता नहीं है। नंबर 7, दोस्तों हम सभी मैच देखते हैं और मैच को लाइव देखने में ही मजा आता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर लाइव मैच में एडिटिंग कैसे करते हैं? दरअसल दोस्तों मैदान पर लगभग 30 से 35 कैमरा होता है जो सारे एंगल में घूम सकते हैं। अंदर लगभग 50 लोगों की टीम होती है जो एडिटिंग को संभालती है, और एक हेड होता है जो बताता है कि किस वक्त पर कौन सी कैमरे का वीडियो दिखाना है। साथ ही एक टीम होती है जो एडिटिंग की ओवर लिस्ट पर ध्यान देती है, यानी कि जो रन और चौके छक्के के एनिमेशन होते हैं। फिर एक और एडिटिंग की टीम होती है जो गेंद के प्रोजेक्शनरी को दिखाती है। तो ये काम बहुत ज्यादा ध्यान से किया जाता है क्योंकि एक गलती बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। तो दोस्तों आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 6, अगर आप परफ्यूम लगाने की शौकीन है तो आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि जब आप परफ्यूम को अपने बॉडी पर या हाथ पर स्प्रे करते हैं तो आपके बॉडी की वो जगह ठंडी हो जाती है। तो इसके पीछे गजब का साइंटिफिक रीजन है। दरअसल हमारी बॉडी थोड़ी बहुत गर्म होती है, तो होता ये है कि परफ्यूम को ऐसे तैयार किया जाता है कि वो हीट को अपने अंदर लेकर उसकी महक को छोड़ता है, मतलब कि हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वो महकाता है। जब वो हीट को सोख लेता है तो आपकी बॉडी का वो हिस्सा ठंडा हो जाता है जिसकी वजह से आपको परफ्यूम ठंडा लगता है, और बिल्कुल ऐसा ही कुछ पेट्रोल के साथ भी होता है। नंबर 5, जहाज में ट्रैवल करते टाइम आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि ज्यादातर उसमें फीमेल स्टाफ होती है, तो एरोप्लेन में फीमेल स्टाफ ही क्यों होती है? तो दोस्तों आप तो ये जानते हैं कि प्लेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में फ्यूल यानी कि ईंधन का इस्तेमाल होता है, तो अब हवाई जहाज को ट्रैवल करने के लिए कितना ईंधन लगेगा वो सीधे तौर पर एरोप्लेन की वजन पर डिपेंड करता है, यानी कि जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही ज्यादा ईंधन लगेगा जिससे एयरलाइंस कंपनियों का खर्चा बढ़ेगा। तो एरोप्लेन
एयरलाइन में लेडीज स्टाफ के तौर पर इसलिए रखा जाता है जिससे फ्यूल की बचत हो सके, क्योंकि सबको पता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वजन अक्सर 30 से 35 केजी कम होता है। इसलिए हवाई जहाज में फीमेल स्टाफ को रखा जाता है ताकि ईंधन का कम इस्तेमाल हो और मुनाफे में बढ़ोतरी दिखे। ऐसा करके हर साल एयरलाइंस कंपनियां 5 से 6 करोड़ रुपए बचाती हैं। नंबर 4, जब भी हम किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो गर्मी के समय एंजॉय करने के लिए कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बहुत ही आनंद देता है। लेकिन जैसा कि आपने सुना ही होगा कि कोई भी खाने या पीने की चीज को ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो वो हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर डालती है। तो असली टॉपिक पर आते हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए या नहीं। ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि ये कोल्ड ड्रिंक शक्कर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मात्र 50 मिलीमीटर कोल्ड ड्रिंक में 40 से 50 ग्राम तक शक्कर होता है और ये डायबिटीज का कारण बन सकता है। और इसकी मिठास को कम करने के लिए इसमें फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। ये इतना खतरनाक होता है कि इससे हड्डियां कमजोर होने लगती है और ये शरीर में पाई जाने वाली पाचक बैक्टीरिया को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है, जिससे पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। और इतना ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स के कलर के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाए जाते हैं, जिसका सीधा संबंध कैंसर से होता है। या सीधी शब्दों में कहूँ तो कोल्ड ड्रिंक पीना जहर के समान है। तो दोस्तों, आज से कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद करेंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रशिया में है। रशिया की ये रेल मार्ग दुनिया की सबसे बिजी रेलवे लाइन में से एक है और ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन की कुल लंबाई 9289 किलोमीटर है। नंबर 2, ये है दुनिया का सबसे डीपेस्ट पोस्ट बॉक्स। ये जापान के सुसामी देह में है। आपको लगता होगा कि इसके अंदर कौन ही लेटर देने जाता होगा, बट सरप्राइजिंगली इसके अंदर कई सारे लोग लेटर देते हैं और ये एक टाइप से टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और इतने अंदर लगभग डेली पोस्टमैन सारे पोस्ट को कलेक्ट करने भी जाता है। नंबर 1, दुनिया में एक ऐसा पार्किंग स्लॉट है जो कि दुबई का प्रिंस भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये पार्किंग अलॉट बहुत ज्यादा महंगा है और उसमें ऐसा कुछ खास भी नहीं है, ये नॉर्मल कंक्रीट का पार्किंग स्पेस है, लेकिन इसकी लोकेशन इसे बहुत ज्यादा खास बनाती है। ये हांगकांग में है और हांगकांग चूंकि सबसे बिजी सिटी मानी जाती है, वहाँ पर इतनी सी पार्किंग के लिए स्पेस बच गई है और वही लोकेशन इसे बहुत ज्यादा महंगा बनाती है और इसके ऊपर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। दोस्तों, यहाँ पर पार्क होने वाली कार इस पार्किंग अलॉट से सस्ती होती है। तो दोस्तों, वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। इतनी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भला। प्लीज लाइक ठोको और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए और जागरूक रहिए।